Thank you.
खाली कॉन्फिडेंस ले पाई पाई बड़े अब खाली हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ तुम सुनाओगी ना? आ जा। और एक मैक था ना? ऐ इसको इधर इधर ब्रह्मचारी इधर चलो थोड़ा सा खींच कर वो चल रहा है। ठीक है हाँ ठीक है। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। क्या मतलब काल में जा कहते से बोलो सबसे पहले तो अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे वैष्णव वैष्णव सबके चरणों में मेरा यह निवेदन है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु की महिमा एक कथा के एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य अपने गुरुदेव को कुछ ना कुछ भेंट प्रदान कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य था जो कि बहुत अमीर था। उसने भी सोचा कि मैं भी गुरुदेव को कुछ दूंगा। तो वो गुरुदेव के पास गया और बोला कि गुरुदेव मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। तो गुरुदेव ने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। तो फिर शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं आपको लेना ही पड़ेगा। तो फिर गुरुदेव ने सोचा कि ये तो मान ही नहीं रहा। तो फिर शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको वही ला दूंगा। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि मुझे इस दुनिया की जो भी सबसे घटिया वस्तु है वो ला के दो। तो फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ये क्या, मैं तो आपको सबसे बढ़िया से बढ़िया वस्तु लाने की इच्छा रखता हूँ और आप घटिया से घटिया बोल रहे हो। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि हाँ मुझे इस दुनिया में जो घटिया से घटिया वस्तु है वो ला के दो। तो फिर शिष्य ने कहा कि अब गुरुदेव की आगे है तो पालन तो करनी पड़ेगी। तो फिर जैसे ही वो गुरुदेव को प्रणाम करके बाहर जाने लगा तो हम यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, चप्पल ही ढूंढते हैं ना। तो फिर जैसे वो चप्पल पहनने लगा तो कहा कि हाँ यही सबसे घटिया वस्तु है क्योंकि हम सिर्फ पैरों में पहनते हैं। तो वो चप्पल हाथ में लेके जैसे चलने लगा तो कुछ दूर गया तो उसको पत्थर में उसको पैर में चोट लग गई, पत्थर से ठोकर लग गई उसको। तो फिर उसने कहा कि हाँ रोड का बेकार पत्थर जो कि किसी काम का नहीं है, फालतू पत्थर है। तो फिर उसने चप्पल फेंक दी और पत्थर उठा लिया कि मैं कल गुरुदेव को यही दूंगा क्योंकि ये फालतू पत्थर है किसी काम का नहीं है। तो उसने चप्पल फेंक दी और पत्थर को उठा लिया और वो कुछ और आगे गया। तो फिर उसका जो पत्थर था वो कीचड़ में गिर गया। कीचड़ में गिरने की वजह से उसके कपड़े भी गंदे हो गए क्योंकि छींट लगे थे कीचड़ की। तो उसने कहा कि हाँ कीचड़ ही सबसे घटिया वस्तु है क्योंकि उसने मेरे कपड़े भी खराब कर दिए। तो उसने पत्थर फेंक दिया और कीचड़ उठा लिया। तो वो जैसे ही घर लेके गए प्रसाद वगैरह पा लिया तो वो प्रसाद पा के यही चिंतन करते करते सो गया कि कल मैं गुरुदेव को यही दूंगा। तो जैसे ही सुबह उठा सुबह शौच क्रिया के लिए जाने लगा तो शौच क्रिया करते करते उसके स्टमक से स्मेल आने लगी उसको। तो उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और सोचा कि हाँ इससे घटिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर क्योंकि गुरुदेव ने क्या बोला है कि मेरे को सबसे दुनिया की बेकार से बेकार वस्तु ला दी घटिया से घटिया। तो उसने कहा कि हाँ मैं गुरुदेव को यही दूंगा। तो जैसे ही वो अपने मिस्टर को उठाने लगा तो उसके मिस्टर में से आवाज आई, ओए ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों उठा रहे हो। तो फिर शिष्य ने बोला कि
कि तू सबसे घटिया है, दुनिया की सबसे घटिया वस्तु है। और गुरुदेव ने बोला कि मुझे सबसे घटिया से घटिया वस्तु ला के दो। तो विष्टा ने कहा कि अच्छा मैं तेरे लिए घटिया हो गई, तब तक तो मैं तेरे लिए रसगुल्ले, नान खटाई, मटर पनीर ये सब थी, और मैं तेरे लिए घटिया हो गई। तो फिर शिष्य को रियलाइज हुआ कि हाँ। तो फिर वो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने बोला कि लाए हो मेरे लिए भेंट लाए हो। तो फिर शिष्य रोते रोते गुरुदेव के चरणों में गिर गया और बोला कि गुरुदेव आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए और मुझे गुरु सेवा में लगा दीजिए। तो हमारे इस शरीर में 9 द्वार है जहाँ से गंदगी ही गंदगी निकलती है। सो वो आँख से गंदगी, नाक से गंदगी, मुँह से गंदगी और सब जगह से गंदगी ही गंदगी निकलती है। ये हमारा शरीर ही सबसे घटिया है, ये हमारा शरीर ही सबसे घटिया है। और गुरुदेव क्या कर रहे हैं, हमारे इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, संतों की सेवा में लगा रहे हैं। हमारे बस इस त्वचा ही, मतलब एक परत ही है जो हमारे शरीर पर है। अगर इस त्वचा को हटा दिया जाए तो बस ये हमारा कोई चहेता भी हमारे हमें देख नहीं सकता, हमें हमारे पास नहीं खड़ा हो सकता, बस मक्खी ही पास रह जाएगी। तो गुरुदेव क्या कर रहे हैं, हमारे इस शरीर को गुरु सेवा में लगा रहे हैं, हरि नाम में लगा रहे हैं। और वो हरि नाम क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ हम तो खड़े कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ॐ नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि को वदन्ति श्रीनमः वृन्दे तुलसीदेवप्रियाय केशवश्च कृष्णमूर्तिपदेवे शुद्धदते नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्दं श्रीअद्वैतगदाधरं श्रीवासिष्ठिको हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। सबसे पहले मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर पदक ईश्वर भक्ति वेदांत स्मृति गुरु संत गुरु महाराज जी के चरण साष्टांग नमन प्रणाम करके उनका ये जो कृपा वचन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर पदक ईश्वर भक्ति वेदांत नारायण पुर स्वामी महाराज वैष्णव तो गुरुदेव के मुखारविंद से हम लोगों के दसवां स्कंद सुनते हैं। तो कल हमने श्रवण किया था, गुरुदेव बताए थे कि जिस समय वासुदेव महाराज जी ने हर साल क्या किया, इन्होंने अपने एक एक बच्चे को लेके तंत्र को दे दिया। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वासुदेव महाराज तो बड़े धर्मावलंबी थे, वासुदेव महाराज। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने बीच में कोई गैप नहीं दिया, हर साल इन्होंने क्या किया ना पुत्र जन्म दिया। अब इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं ऐसा क्यों किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि जो भगवत प्राप्ति का उत्कंठ है उनमें क्या ना, जो देवताओं का आकाशवाणी हुआ है कि अष्टम गर्भ में साक्षात भगवान आएंगे, तो इन्होंने क्या किया उसी कार्य को विलंब नहीं करके हर साल में ही इन्होंने जो 6 बच्चे को जन्म दे के ग्रंथ को दिया। तो यहाँ पे जिस समय कंस बहुत अत्याचार हो गया था कि ऐसा क्या होता है ना, सब यज्ञों और जितने भी सब धर्म के चीज को सब नष्ट करने वाला था और साधु संतों को बड़े तकलीफ देता था, यज्ञ सब भंग कर देता था, जितने भी गावी थे गौ माता थे उनको बोला कि कंस ने आदेश दिया कि इन सबको क्या करो ना बंद कर दो, क्यों ना इनसे क्या होगा ना जो वृत निकलेगा और वो वृत से क्या होगा जो यज्ञ होगा, और यज्ञ में क्या होता है ना जो आहुति जिस देवता के नाम पे दिया जाता है उसी देवता को उसी शक्ति उसी माता में शक्ति प्रदान होता है,
तो इसलिए बोला कि ये गा भी रहेंगे तभी जाके देवता शक्तिशाली होंगे, तो इसलिए एक क्या करो ना, गा भी लोगों को भी अविनाश कर दो। अब जितने भी हरी हरी वृक्ष हो, मंद बुद्धि हो गया था ना, अब जितने भी हरा हरा वृक्ष थे सबको क्या गया, काट डाला। क्यों ना, इससे जहाँ फल फूल निकलेगा उससे क्या करेंगे, भगवान हरि को जो फल और फूल प्रदान करेंगे शायद उसमें शक्ति हो सके। तो ऐसे सोच के वो किया गया, सारे सारे वृक्ष को भी उन्होंने काटना शुरू कर दिया। अब इतने में क्या हुआ ना, वसुदेव महाराज उनको एक बात बताए थे कि देखो ये किसी सामने के वजह से भी देवकी को छोड़ने वाला नहीं था, ये अपने म्यान से तलवार उनको देवकी के पास ही रखा था। तो उस समय हर तरीके से वसुदेव महाराज जी ने कोशिश किया कि इनको क्या करे ना, देवकी को रक्षा करने के लिए। लेकिन जो ये क्या गया दुष्ट बुद्धि, दुष्ट संघ नरभक्षी जो असुर के संघ करता था, इसका जो मंद बुद्धि के कारण ये क्या किया ना, वो संत के बात को समझ नहीं पाया। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वसुदेव महाराज क्या किए ना, बोले कि मैं बड़े सत्यवादी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले तो हाँ सर, तुम आप कभी झूठ नहीं बोलते, तो ठीक है मैं अगर कभी झूठ नहीं बोलता तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि क्या करूंगा, मेरा जो जिस पुत्र से तुम्हारा भय है उसी पुत्र को तुमको एक श्लोक में उसको गुरुदेव ने बताया था कि जो अभय पुत्र हो उसको दे दूंगा और जो भय वाला पुत्र उसको नहीं दूंगा। तो यहाँ पे यहाँ तक सुने थे, उससे आगे कल हमने श्रवण किया था कि यहाँ पे जिस समय वसुदेव महाराज जी का पहला पुत्र कीर्तिमान पहला पुत्र को उन्होंने क्या किया ना, अपने सत्यवादी होने के जो स्वरूप था वो सत्यवादी थे, तो बोले थे छह पुत्र दे दूंगा, मतलब सारे के सारे पुत्र दे दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, पहला पुत्र को लेके कंस के दरबार में गए। अब इनका सत्यवादी को देख के कंस के हृदय में दया आ गया, बोले सच बात तो ही, अरे तुम्हारा जो अष्टम गर्भ है उसका मेरा क्या होगा ना, शत्रुता है, तुम्हारे जो छह अभी जितने भी पुत्र उनमें से कोई इसमें मेरा शत्रुता नहीं है। तब इन्होंने क्या किया कि कंस ने वसुदेव को महाराज जी को पुत्र के साथ भेज दिया, बोले नहीं आप ही लेकर रख लो, ये तो पुत्र मेरा शत्रु नहीं है। तब इतने में नारद जी देखते हैं, जो नारद जी देखते हैं बोले ये तो बहुत बड़े गड़बड़ हो गया। अब कंस के हृदय में अगर दया भावना आ जाएगा तो जब तक दया भावना इसके हृदय में रहेगा भगवान तब तक नहीं आएंगे। भगवान कब आते हैं कि अभ्युत्थान धर्म से सदात्मन सुजान जदाजदाय धर्म से ग्लानिर भवति भारत की। जब क्या होता है ना, जब जब सृष्टि में क्या करते हैं अधर्म बढ़ता चलता है तो भगवान क्या करते हैं उसे धर्म विशेष रूप उस धर्म को भक्ति धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो इसके हृदय में तो अभी दया भावना है, तो दया भावना रहेगा रहेगा तो भगवान नहीं आएंगे, इसलिए नारद जी आ गए। अब नारद जी आके कंस को एक अकेले एक बगीचे में ले गए और कंस को बोल रहे कि सारे के सारे जो जो रहस्य उन्होंने नारद जी ने क्या किया ना कंस के सामने प्रकट कर दिया। अब नारद जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बोलने की अरे कंस मूर्ख तुम जानते नहीं हो ये जितने के जितने जदुवंश है ये बहुत चालक है, जितने के जितने देवता ये सब बहुत चालक है, जितने के जितने देवी है सब बहुत चालक है। क्या ना इन्होंने पहले से गोकुल में जन्म ग्रहण कर लिया था, अब इन्होंने अब तुम कौन हो, तुम पहले जन्म में काल नमी थे, अब उनको तुमको पहले जन्म में हरि भगवान ने तुमको वध किया था और इस जन्म में भी ऐसे करेंगे, ये सारे के सारे देवता लोग जदुवंश में जन्म ग्रहण करके तुमको वध करेंगे। इतना सुनते ही कंस पूरा क्या करा, पूरा गुस्सा में क्या किया, फिर से जाके वो बच्चे को वध करता था। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठा रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि नारद जी तो परम संत है साधु है, तो ये इन्होंने इनका काम किया हत्या करने वाला काम प्रेरित करना है क्या, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ये बच्चे कौन है ना, ये बच्चे है जो नारद जी के उपाख्यान में बता दे कि नारद जी के एक समय नारद जी ने एक अति सुंदर एक पुत्री को ब्रह्मा जी ने एक अति सुंदर पुत्री को सृष्टि किया, तो इतना सुंदर था कि ब्रह्मा जी भी उसके पीछे गया हुए मोहित होकर उसके पीछे भागने चले। अब इतने में देख के ब्रह्मा जी के जो मरीचि पुत्र, तो इन्होंने क्या किया ब्रह्मा जी को देख के हंसने लगे कि देखो देखो ब्रह्मा जी कैसे अपने सृष्टि के अपने पुत्री के पीछे ही भाग रहे हैं। तब इन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको अभिशाप दे दिया था कि तुम्हारा क्या होगा ना, तीन जन्म तक तुम अपने पिता के हाथ से ही तुम्हारा मृत्यु होगा। तो इसीलिए भी इन्होंने क्या किया कि जो
जो छह पुत्र थे, तो छह पुत्र क्या किए ना, देव की माता के गर्भ में आए और उनके पिता कंस से, पिता वसुदेव महाराज के द्वारा कंस के हाथ में उनका क्या हुआ, पहले ये कंस ये कालनेमी रूप में जन्म लिया था, कालनेमी रूप में जन्म लिया था, उसने भी उसी समय में भगवान ने कालनेमी को भी उनने वध किया था। तो यहाँ पे बता रहे हैं, अब यहाँ पे यहाँ पे गुरुदेव ने दो उदाहरण दिया था। एक उदाहरण दिया था कि जैसे आग होता है, आग क्या करता है, आग में चाहे कितने भी अशुद्ध वस्तु हो या शुद्ध वस्तु हो, उसको क्या करते हैं, आग जला लेता है। आग में कोई पवित्रता अपवित्रता नहीं रहता, आग का कोई तेज निष्क्रिय नहीं होता, हर समय उसे ही रहता है। इसलिए जो महान संत लोग हैं उनके जो कोई भी प्रत्येक क्रिया और जो जो भी कुछ करते हैं उनमें से हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनके जो क्रिया को वास्तव में हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और दूसरे बात बता रहे थे कि जो शिव जी है उन्होंने क्या किया, नहला हलाहल विष को पान करके अपने कंठ में धारण कर लिया। हमें गुरुदेव बता रहे कि हम विष पान करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो इससे आगे की दो उदाहरण गुरुदेव ने दिया था, और उससे आगे बता रहे हैं कि तब उस समय क्या हुआ, कंस और अत्याचार हो गया और देवकी और वसुदेव महाराज जी को कारागार में बंदी बना के रख दिया, और उनके सारे पुत्र को वसुदेव महाराज क्या करते हैं ना, हर समय उनको लेके दे देते। और यहाँ पे और एक प्रश्न बता रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, ये छह पुत्र कौन है, नहीं ये छह पुत्र ये है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जब तक ये हृदय में रहेगा तब तक उस जगह पे भगवान नहीं आएंगे। तो इन्होंने पहले क्या किया, ये जो छह चीज को इन्होंने पहले नष्ट किया। अब इससे आगे बता रहे हैं कि जो पांच जो तन्मात्रा है, जो शब्द रूप रस स्पर्श गंध और उसके जो विषय समूह है, क्या ना चक्षु कर्ण नासिका इत्यादि, तो उससे क्या होता है ना, उससे विशेष रूप में उसको क्या करना चाहिए ना, भगवान के सेवा में नियुक्त करना चाहिए। अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं नियुक्त करके विषय के अगर सेवा में नियुक्त करेंगे तब भी क्या होगा ना, भगवान अपने आप को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। अब इससे के बाद बताया कि छह जो पुत्र था उनका वध हो गया और उनका वध कंस ने कर दिया, उनको मार डाला। अब सप्तम गर्भ में कौन आए, ना श्री बलदेव प्रभु आए। बोले सप्तम गर्भ में क्यों आया, इनका पहले आने का कारण बता रहे हैं। एक कारण तो यहाँ का बता रहे हैं कि ये बलदेव प्रभु भगवान के हर लीला में सहायक करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। अब इन्होंने क्या किया ना, कृष्ण लीला में क्या किया कि 10 प्रकार के विशेष रूप में सेवा करते हैं। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में बता रहे हैं कि सखा भाई व्यजन सहन आवाहन गृह छत्र वसना भूषण जत आसन की क्या बोलना है कि सखा के रूप में, भाई के रूप में, व्यंजन के रूप में, ठाकुर जी के प्रत्येक अलंकार के रूप में, सारे के सारे रूप में बलदेव प्रभु आते हैं। कि मानो की देव की माता के गर्भ में पहले ही आके क्या किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि इन्होंने पहले आसन दे दिया और उसी जगह को देख लिया कि यहाँ पे ठाकुर जी, उसके बाद क्या करेंगे प्रकट होंगे। अब इन्होंने गुरुदेव ने एक श्लोक बोला था कि सप्तमे वैष्णव धामम जमनंतम प्रचक्षते गर्भ बहु व देवक्यम हर्ष स्रोत विवर्धन। ये सप्तम गर्भ में क्या के ना जो शेष जी के अंत वो आए, तो इन्होंने आए तो आगे क्या के शोक हर्ष देव क्या देव क्या जठरे गर्भे से साख्यम धाम मामकम तम सरनी की सरोहिन्या उदरे सरनी में से। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया ना, सप्तम गर्भ में आके भगवान को पहले ही इन्होंने स्वागत किया। और दूसरी बात बता रहे हैं कि जो बलदेव प्रभु इन्होंने हर्ष स्वरूप विवर्धन, इन्होंने पहले तो आए फिर उसके बाद हर्ष, पहले जब आए तब आनंदित हुए और उसके बाद जब बलदेव प्रभु योग माया के द्वारा संकर्षित होकर रोहिणी देवी के गर्भ में चले गए फिर क्या हुआ ना, ये सब लोग शोक करने लगे। तो ये क्या करते हैं, जब आए हर्ष और शोक दोनों को प्रदान किया। अब यहाँ पे जो ये जब चले गए देवी माता के जो गर्भ से चले गए, तब कंस के जो सिपाही लोग बोलने लगे, कंस के सिपाही लोग बोलने
कि देखो आपने छह छह पुत्र को इतना रूप में बद्ध कर दिया कि जो सातवां गर्भ का जो पुत्र था वो तो ऐसे डर के ही गर्भ के अंदर ही क्या हुआ, उसका गर्भ में ही मर गया। क्योंकि वो हम अगर कंस के जो सिपाही लोग उसको उठा रहे बोल रहे हैं कि अगर ये जन्म लेता तो आप मार डालते, इसलिए डर के मारे ही गर्भ में ही क्या हुआ न मर गया। वह कोई जंत्र मंत्र करके कंस ने बच्चे को मरवा दिया, ये दो बात। फिर कोई जंत्र मंत्र करके कंस ने मरा दिया। तो ऐसे ऐसे देव के गर्भ में फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि जब प्रश्न पूछे थे श्री परीक्षित महाराज कि किस प्रकार के बिना देहांतर था, कि बिना देहांतर में क्या होता है ना, आप बोल रहे हो देव की माता के पुत्र भी है कौन बलदेव प्रभु और रोहिणी मात्रा के भी पुत्र है बलदेव प्रभु। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि ये दो जो पुत्र है तो एक माता के गर्भ से, मतलब दो दो अलग अलग माता के गर्भ से इन्होंने बिना देहांतर कथा कि बिना देहांतर प्राप्ति के, उनका अर्थ देह अंतर अर्थात बिना देह शरीर छोड़े इन्होंने कैसे प्रकट हुए। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी उनके उत्तर दे रहे कि इन्होंने पहले किया कि देव की माता के गर्भ में आए और उसके बाद क्या हुआ ना इनको, फिर जो माया द्वारा संकटित हो गए रोहिणी माता अर्थात ये वसुदेव महाराज जी का ही और एक पत्नी है उनके गर्भ में से जो मैंने उनको स्थापन कर दिया। और एक बात बीच में मैंने छोड़ दिया कि जो छह पुत्र थे उनके विशेष रूप में मुक्ति नहीं हुआ था। जब वसुदेव और देव की माता जी ने द्वारिका में थे तो उन्होंने कृष्ण का जो लीला को देख के बोले कि कृष्ण तुम आप तो परम भगवान हो, क्यों हमने सुना है आपने अपने मरे हुए गुरु पुत्र को भी क्या किया ना जमपुर से उधार कर भी ले आए। अब देव की माता बोल रही है कि मुझे भी अपना छह पुत्र को मैं ठीक से उनको आलिंगन भी नहीं कर पाया, उनको स्नेह भी नहीं दे पाया, प्रेम भी नहीं कर पाया, उनको ठीक से देखा भी नहीं, इसलिए मैं अपने वो छह पुत्र को फिर से क्या करता हूँ ना देखने का इच्छा रखता हूँ। तब कृष्ण ने किया कि भगवान भगवान क्या करते हैं जो नहीं, मतलब जो नहीं है उसको भी कर देते हैं और जो होता है उसको भी नहीं कर देते, ऐसे भगवान तो होने को भी नहीं कर देते और नहीं हो नहीं को भी कर देते हैं, तो इसको भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव ने बताया था कि हम लोग कैसे कैसे जिसको इसको भी भगवान मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए, भगवान का कुछ तत्व भगवत तत्व रहता है। तो इसमें बता रहे हैं कि उस समय जो छह पुत्र को कृष्ण ने क्या किया देव की माता के सम्मुख प्रकट करवा दिया। अब देव की माता ने उनका स्तनपान किया, स्तनपान कराया, तो जो स्तनपान करते ही उनका विशेष रूप में मुक्ति हो गया। बोल रहे हैं उनका मुक्ति क्यों हो गया कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जिस समय कृष्ण ने देव की माता के गर्भ से प्रकट हुए थे उस समय देव की माता ने किया गया कृष्ण को स्तनपान करवाया था, तो उस समय कृष्ण का जो अधरामृत है तो वहां पे था, तो इनके जो कृष्ण का अधराम प्राप्त भी हुआ, तो प्राप्त होते ही क्या हुआ इनका कल्याण हो गया। ये बच्चा एक हफ्ते से रुका हुआ है, बोलेगा इसको बोलने का मन जनार्दन को तैयार आ जा श्याम सुंदर प्रभु आप भी बोलेंगे ना सर सामने आ एक राज्य में राजा था, उसका नाम रूपांगद था और उसके बेटे का नाम धर्मांगद था, उसकी पत्नी का नाम धर्मपत्नी था। तो उसके राज्य में सभी लोग एकादशी करते थे और वो राजा भी करता था। जो एक राजा दो दिन पहले ही सबको बता देता था कि दो दिन बाद एकादशी है और जिसने भी एकादशी नहीं करी मैं उसे हाथ कटवा दूंगा और उसे बहुत कष्ट दूंगा और उसे राज्य से बाहर निकलवा दूंगा। तो फिर उसके डर से सभी लोग एकादशी का व्रत कर लेते। तो एक दिन सभी देवता लोग ऊपर से देखने लगे कि भाई इसके राज्य में तो सब लोग बहुत खुश रहते हैं और
सभी का कोई भी दुखी नहीं रहता। तो जो फिर भी कह रहे थे कि हम हमारे यमराज की भी दुकान बंद हो गई है और उसे फिर से खुलवाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक अप्सरा को तो उन्होंने मीटिंग करी और एक सर की अप्सरा को नीचे भेजा कि तुम जाओ और वहां पे जाकर उसके निकासी का बल तुटवा दो। तो वो एक जब एक बार जंगल पे जा रहा था तो उसके ऊपर एकदम से हमला हो गया। तो फिर उस अप्सरा ने आकर उसकी बहुत मदद करी और राजा वो जीत गया। तो फिर उस राजा ने देखा कि ये तो बहुत सुंदर है और उसने मेरी सहायता भी करी। वो तो उस पर लट्टू हो गया और फिर उसने कहा कि तुम अपनी एक इच्छा बताओ, तुमने मेरी इतनी मदद करी तो तुम अपनी इच्छा बताओ। तो उसने कहा कि तुम मुझसे शादी कर दो। तो राजा के पास तो पहले से ही एक पत्नी थी और एक बेटा भी था, पर उसने फिर भी उससे शादी कर ली और उसे अपने राज्य में लिया और वो उसे बहुत प्यार करता था। तो उस अप्सरा ने एक दिन कहा कि तुम ये कासी क्या करते हो, ये कुछ भी नहीं है, मन का बहन है। तो राजा तो एकासी के लिए बहुत कट्टर था। तो उसने कहा कि ना तो मैं एकासी नहीं तो मैं एकासी को छोड़ सकता हूँ नहीं तुम्हें। तो फिर उसने अप्सरा ने कहा कि यार तुम एकासी नहीं छोड़ सकते तो तू अपने बेटे को मार दो। तो राजा तो सुन के बहुत चिंता में पड़ गया और फिर उसने जब उसके माता और जब उसकी पत्नी और उसकी बेटे को ये बात पता लगी तो उसका बेटा आया और उसने कहा कि पिताजी तुम मुझे मार दो। तो उस राजे ने कहा कि नहीं मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। तो उसने उसके बेटे ने उसे अपनी तलवार निकाल ली थी और उसने तो जब वो उसे मारने के लिए तैयार हो गया और तलवार ली तो तभी देवता प्रकट हो गए। देवता बोले कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम एकादशी किस हद तक कर सकते हो। तो उसने उस राजा को और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया और फिर हमें से ये शिक्षा मिलती है कि हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस दिन जो भी पाप हमारे पाप होते हैं वो सब अन्न के ऊपर आ जाते हैं। जो उस दिन अमन खाते हैं तो अमन नहीं खाते पाप को खाते हैं। धन्यवाद। कहाँ गए ब्रो? आ जा। जो सुनाना चाहते हैं हरे कृष्ण ओम ज्ञान जिमादस्य ज्ञानंजन सलाक्या चक्षुरुमे समजने तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम के रूपात प्रथम के चरणों में नमः कोटि नमः उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव चरणों में पुट्ट गुरुदेव का आदेश एक कथा हमारे गुरुदेव से सुनी है। ब्रजमंडल परिक्रमा में जब जाते हैं ना तो एक स्थान पड़ता है तीर्थ कदम, तो वहां थोड़ी कथा में ध्यान रही सुनाने की चेष्टा करता हूँ। तीर्थ कदम एक स्थान है जहां पर एक कदम का वृक्ष विशाल वृक्ष, तो भगवान उस पर चढ़ के जोर से चिल्लाते हैं अपनी गैया का नाम ले रहे, गोरी काली धोली भूरी, तो जैसे नाम लेते हैं उसका गैया दौड़ी चली आती है और उस पे खड़े होकर फिर बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी की धुन से सारी गैया इकट्ठी हो जाती है और उस स्थान पे हमारे षटगो स्वामी में रूप गोस्वामी हुए उनके वहां भजन कोटि थी। तो एक बार रूप गोस्वामी जी के पास सनातन गोस्वामी आए जो कि उनके बड़े भाई थे। हरी चर्चा करते हुए काफी टाइम बीत गया तो रूप गोस्वामी के मन में इच्छा हुई कि आज तो बड़े भैया आए हैं ठाकुर जी को भोग लगा के भैया को खीर प्रसाद खिलाऊं। लेकिन हरी चर्चा में जो है समय बीतते जा रहा है, टाइम नहीं लग रहा कि कब खीर बने और कब भोग लगे। तो एक छोटी सी लाली आती है कि बाबा बाबा माँ ने ये दूध और मिठाई चावल भेजा है और बना के ठाकुर जी को भोग लगा दे।
वो कि ठीक है रखो, वो लाली रख के चले जाती है। लेकिन फिर भी दोनों रूप सनातन रूप और सनातन गोस्वामी हरि चर्चा में लगे रहते हैं। काफी टाइम तो लाली फिर आती है, कहते बाबा जी तो बने, तो उस लाली ने खीर बनाई बहुत सुंदर और ठाकुर जी को भोग लगा के उनको दे दी कि मैंने भोग भी लगा दिया है, कुछ पाप पा लेना। उसके बाद जब वो उस प्रसाद को पाते हैं ना, तो उनकी आंखों से आंसू धारा बह जाती है, इतनी स्वादिष्ट, क्योंकि वो लाली ने बनाई थी तो बहुत स्वादिष्ट खीर थी। पाली सनातन गोस्वामी अपनी भजन कुटी की तरफ चले गए, तो रूप गोस्वामी सोचा खीर बनाने गई थी लाली, उसको जाके धन्यवाद भी कर रहा, क्योंकि जब गुरुवर को कुछ सेवा करते हैं तो वो बिना आशीर्वाद के रुकते नहीं, आशीर्वाद देते हैं। तो गए उसकी मैया के पास कि मैया लाली कहा है, कल तो बहुत सुंदर उसने प्रसाद खीर बनाई। लाली लाली तो एक हफ्ते से हमने माना गया, तो रोज वो रूप गोस्वामी जी की आंखों से अश्रु धारा बह रही है, ये क्या राधा रानी सोमय और हमारे लिए प्रसाद मिला भी, तो ऐसी है राधा रानी इतनी कृपा में इतनी कथा ध्यान आई मेरे। लो जी वृंदावन बिहार लाला, तुम कल बोलो ठीक है, ठीक है माइक का तत्व हरि बोल हरि हरि बोल हरि ठीक ठीक ओम ज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्विमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रिया ऐ केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सिद्ध श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सिद्ध श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे, अभी भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, और जन्म लेने से पहले सर्वप्रथम जैसे हृदय में ठाकुर जी कब प्रकट होंगे, जब पहले हम अपना अनर्थ को दूर करें। इसलिए कृष्ण सबसे पहले किसको मारे थे, पुतना को मारे थे। बोले पुतना पे क्यों मारे, बोले पुतना मतलब पुत माने पवित्र, ना मतलब नहीं जो पवित्र नहीं जो अपवित्र नहीं।
इसलिए अगर हृदय में भगवान को बैठाना तो पहले क्या करो कि अपवित्रता को पहले नष्ट करो। इसलिए भगवान राम भी सर्वप्रथम किसको मारते? तारका को मारते। ये तारका कौन है? बोले तारयति तारका, जीव को जो भगाता रहता है। बोले जीवों को कौन भगाता है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही जीवों को भगाता है। और हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, जैसे चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, कहती ये पंच ज्ञानेन्द्रियों को द्वारा रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये पांच इंद्रियों को द्वारा जैसे हम विषय को ग्रहण करते हैं, कहते अगर कोई भगवान को अपना हृदय में बैठना चाहते हैं कहले पहले इसको खत्म कर। इसलिए कंस मतलब क्या है? हाँ, कंस मतलब होता है भय। हम भजन क्यों कर रहे हैं? भय से। अगर भजन नहीं करेंगे तो फिर हमें वही 84 लक्ष्य योनि में फिर भटकना पड़ेगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, कष्ट हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम भय से क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए कंस कौन है? ये भय है। कंस भय। इसलिए पहले उन्होंने पहले ये 6 पुत्र को वध किया, उसके बाद में श्री धाम स्वरूप जो संधिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवता, जो भगवान को धारण करने वाले श्री दाव भैया श्री बलदेव प्रभु आए भगवान के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। जैसे इसी जगत में अगर यहाँ पर कोई मंत्री मोदी आएगा उसके लिए क्या होगा? पहले मंत्री लोग आते हैं, उनके लिए स्टेज बनाते हैं, कहाँ उतरेगा, कहाँ रहेगा, कहाँ लेक्चर देगा, कहीं उसके लिए सब तैयारी करते हैं। उसी तरह अभी श्री कृष्ण आने से पहले श्री बलदेव प्रभु आकर के उन्होंने पहले प्लेटफॉर्म को उन्होंने तैयार किया है। जब तैयार किया उसको बाद में भगवान कृष्ण, तभी कृष्ण आते हैं। इसलिए कल हमने और एक बात सुना था, कहते ये प्रेम कौन सा स्टेज है? आठवां स्टेज है। उसको पहले 7 स्टेज होता है। क्या क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, प्रभाव, और उसमें 8वां में प्रेम। तभी प्रेम में ही कृष्ण दर्शन, प्रेम से पहले कृष्ण दर्शन नहीं है। इसलिए कोई बोलता ना हमें कृष्ण दर्शन मिल गया, नहीं। कृष्ण कहते जीवन सार्थकता कृष्ण दर्शन जा। जब एक बार कृष्ण दर्शन होता है ना, फिर जीव ये भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसका भव बंधन नहीं रहता है, हैं? इसलिए कृष्ण दर्शन सहज कृष्ण दर्शन नहीं होता है, प्रेमावस्था में ही कृष्ण दर्शन। इसलिए कृष्ण अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आते ही बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जोर से बोला, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं बोले अथा अंश भागिन देवक्या पुत्रता सुभे प्राप्समि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यामि। यहाँ पर कह रहे हैं कि अथ अंश भागे न देवक्यां पुत्रताम शुभम, मैं देवकी की अष्टम गर्भ में कद अथ अंश भागे न, जब मैं अवतीर्ण होऊंगा, ऐसे अवतीर्ण नहीं होऊंगा बोले अंश के द्वारा, क्योंकि जो कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। इसलिए जब कृष्ण आते हैं उनकी शरीर में जितने सब अवतार है, ये सब के सब कृष्ण को शरीर में ही आ जाते हैं। इसलिए दिखाई पड़ता है जैसे कृष्ण दूसरे दैत्यों को मारे, बोले कृष्ण नहीं मारते हैं, बोले कौन मारते हैं? बोले उनका अंदर में अंश रूप में जो कारण दुर्गसाई विष्णु है, जो गर्भ दुर्गसाई विष्णु, जो खिराब दिशाई विष्णु, उनके अंदर में मत्स्य, कुर्म, बराह, नृसिंह, बामन, परशुराम, बलराम, इस सब के सब जितने भगवान का जो दूसरे अंश सबके सब कृष्ण के शरीर में आ जाते हैं। लेकिन ऊपर से क्या दिखाई पड़ता है? कृष्ण जैसे राक्षसों को मार, बोले कृष्ण राक्षसों को मारना कृष्ण का काम नहीं। कृष्ण का काम तो गोलोक वृंदावन में सखाओं के साथ में, मैया के साथ में, गोपियों के साथ में, राधा रानी को साथ में विहार करना ही का काम,
इनको मारना भागना का काम नहीं। जैसे अगर बड़ौत में कोई अगर अनहोनी हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ाता है, यहाँ पर क्या जोगी आएगा? वो केवल आदेश दे देगा, पुलिस ऑफिसर कर लेते हैं। अगर कोई विशेष काम होगा तो जोगी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मोदी आएगा? वो मोदी नहीं आएगा, वो वहीं से बैठ करके ऑर्डर दे देगा, तो उसकी ऑर्डर से ही सारा काम हो जाता है। अगर साधारण मोदी अगर नहीं आता है तो भगवान को आने का क्या जरूरत है? इसलिए भगवान तो अपना भक्तों को साथ में नित्य विहार, भक्तों को साथ में कृष्ण गोलोक वृंदावन में, गोप गोपियों को साथ में नित्य ठाकुर जी लीला करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान का जो तीन पैर अवतार गुणा अवतार है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जब कृष्ण आते हैं उनके अंदर में भी ये भी आते हैं। इसलिए कृष्ण के शरीर में मत्स्य कुर्म और जितने शंकर शंकर को साथ में श्री बलदेव प्रभु, ये सबको साथ में भगवान इसी जगत में आते हैं। इसलिए कहते हैं एक अर्थ होता है अंश भावे भागे न देवक्या, दूसरा अर्थ क्या होता है? कहते कृष्ण जब देवकी का जब बेटा बन करके आए कृष्ण मथुरा में, लेकिन वो भी पूर्ण रूप में नहीं आया, कहते अंश भाग पूर्ण कौन है? कृष्ण जो वृंदावन में, कृष्ण जो वृंदावन में जन्म लिए हैं, कृष्ण वहां पर पूर्ण है। इसलिए देवकी नंदन रूप में जब कृष्ण आए, दूसरा अर्थ है उनका अंश रूप में है। इसलिए आ करके देवकी जो कृष्ण को जो भक्ति की, वो कौन सा भक्ति? कहती ऐश्वर्यमय भक्ति, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान। क्यों? कृष्ण जन्म लेने से पहले उनने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है, घुंघरा केश शंकर चक्र गदा पद्म रूप में उन्होंने दर्शन दिया है। इसलिए देवकी का जो भावना है ये भगवान साक्षात है। लेकिन पूर्ण रूप में उनको वात्सल रस में किसने प्रेम किया? बोले ये वृंदावन में मैया यशोदा ने उनको पूर्ण रूप में वात्सल रस में उनको उपासना की, डांटी डपटी, उनको कान मोल दी, उखल में बांध दी, अगर कोई उल्टा पुल्टा काम तो चोर छोटे गाली देती है, हैं कभी शासन करती है। इसलिए यहाँ कहते हैं मैं तो अंश रूप में मथुरा में जन्म लूंगा, लेकिन पूर्ण रूप में गोकुल में ही माँ यशोदा की लाला बन करके आऊंगा। बोले यशोदायाम पुत्रित्वम समबाह्या से, अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं बोले प्राप्तसि त्वाम यशोदायाम नंद पत्न्यांग भविष्यति। ये किसको आदेश दे रहे हैं? ये जोग माया को आदेश दे रहे। बोले जोग माया मैं तो देवकी की बेटा बन करके मथुरा में आऊंगा, लेकिन तुम जो है ना गोकुल में यशोदा की तुम लाली बन करके आओ, हैं तुम लाली बन करके गोकुल में तुम लाली बन करके आओगे, लेकिन आओगे तो नंद पत्नाम भविष्यामि, लेकिन तुमको वात्सल्य प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वसुदेव महाराज जा करके मथुरा से कृष्ण को लेकर के वहां रख लेते हैं और वहां से बेटी को लेकर के मथुरा जाते हैं। इसलिए जैसे कि बच्चा जन्म लेने पर माँ जैसे उसको लाड़ लड़ाती है, प्यार करती है, उसको दुलार करती है, तुमको ये सब चीज नहीं मिलेगी, हाँ तुम रहोगी जोग माया रूप में, लेकिन अलग के रूप में तुम ब्रज में जोग माया रूप में तुम अलग के रूप में तुम रहोगे, लखित रूप में तुम नहीं रहोगे, हैं कभी ये एक भावना भाव है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते देखो देवी, इसलिए कहते देखो देवी इसी जगत में तुमको बड़ी उपासना जगत में होगी तुम्हारी। ये कृष्ण स्वयं कहते हैं जगत में तुम्हारा बड़ा नाम होगा, जगत में सब लोग तुमको पूजा करेंगे कि जगत में, और तुम्हारी एक नाम नहीं जगत में तुम्हारी अनेक नाम होगा, कि कृष्ण का आशीर्वाद है। इसलिए देखना जितने कृष्ण की भक्ति है ना दुनिया में ज्यादा भक्ति देखोगे देवी की, वो कहां कहां पर देवी वाहन रूप में तो हैं, वाहन उनका पीठ है देवी की। जिस समय सती ने शरीर त्याग दी, शंकर ने सती का शरीर को लेकर के ऐसे उन्हें उत्तर नृत्य की जैसे दुनिया प्रलय हो जाएगा, पर भगवान की शरण में आए, भगवान चक्र से उनको शरीर को काटे, जब वाहन जगह पर उनकी शरीर गिरा, इसलिए वहां पर वाहन पीठ बन गया। इसलिए कि कृष्ण की भक्ति जितना केवल ब्रज में ही देखोगे कृष्ण भक्ति है, अक्सर करके जितने बाहर जाओगे ना शंकर की भक्ति और माता देवी की भक्ति देखोगे, ज्यादा देवी की भक्ति देखोगे। इसलिए ये वरदान किसने दिया था? कृष्ण ने ये वरदान दिया जगत में, मानी बहुत नाम होगी
और तुम्हारी जगत में पूजा होगी, जो नाम होगी ना, तुम जैसे जैसे लीला करोगे, जैसे कृष्ण की अलग अलग नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर मधुसूदन, क्यों उन्होंने अलग अलग लीला की, इसलिए कृष्ण का अलग अलग नाम। बोले जगत में भी तुम्हारी भी नाम अलग अलग नाम होगा, तुम्हारी लीला अनुरूप। बोले कौन सा नाम होगा, आप लोग सुन लो। कहते श्री वल्लभाचार्य कहते हैं, कहते उनका एक नाम होगा दुर्गा। कहते दुर्गा इनका नाम क्यों होगा, बोले इसीलिए होगा, बोले दुरोधिगम, बोले जिसको समझना बड़ा कठिन है, इसलिए उनका नाम होगी दुर्गा। इनका एक नाम होगा भद्रा। भद्रा नाम क्यों होगा, क्योंकि ये मंगलमयी है, ये मंगलमयी, इसलिए इनका नाम होगा भद्रा। एक इनका नाम होगा काली। बोले काली क्यों नहीं, काली क्यों नाम होगा, क्योंकि इनका जो रंग है वो नील वर्ण, इनका रंग, इसलिए इनका नाम होगी काली। और एक नाम होगा विजया। कहते विजया की नाम होगा, कहते सर्वाधिक विजय जिन्हें बोले, इसलिए सब जगह में जो विजय प्राप्त करेगी, इसलिए इनका एक नाम होगा विजया। कहते इनका एक नाम होगी वैष्णवी। बोले वैष्णवी क्यों इनका नाम होगी, कहते ये विष्णु की शक्ति है, इसलिए इनका एक नाम होगी वैष्णवी, इनका नाम होगी। कहते इनका नाम होगी कुमुदा। कहते इनका नाम कुमुदा क्यों नाम होगा, बोले इसलिए होगा, कहते आनंद में ये विलास करती हैं, इसलिए इनका नाम एक होगा कुमुदा। एक नाम होगा चंडी। बोले चंडी क्यों नाम होगा, बोले शत्रु का प्रति जो बड़ा क्रोध करती हैं, इसलिए इनका नाम होगी चंडी। इनका एक नाम होगा कृष्णा। बोले कृष्णा नाम क्यों होगा, बोले सब समय आनंदमयी, इसलिए इनका एक नाम होगा कृष्णा। इसलिए इनका एक नाम होगी माधवी। बोले माधवी क्यों नाम होगा, बोले हर समय जो नित्य कुमारी बनी रहती हैं, इसलिए इनका नाम होगी माधवी। इसलिए एक इनका नाम होगा कन्या। कहते कन्या का नाम क्यों होगा, बोले हर समय सुख प्रदान करती हैं, इसलिए इनका नाम होगा कन्या का नाम होगा। इसलिए इनका नाम होगा नारायणी। बोले नारायणी क्यों होगा, बोले सर्वजीव का आश्रय बनेगी, इसलिए इनका एक नाम होगा नारायणी। इसलिए ऐसे ईशानी, इसलिए अलग अलग इनका एक नाम होगा शारदा, जो संसार का बंधन को खंडन करती हैं, इसलिए इनका नाम होगा शारदा। अंबिका, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इनका जो अलग अलग जो नाम है, ये जो अलग अलग कृष्ण का जैसे अलग अलग नाम, इनका भी ऐसे अलग अलग नाम, इसलिए कृष्ण ने ही आशीर्वाद दिया था जगत में तुम्हारी बड़ी पूजा हुई। लेकिन अब देखना, लेकिन ब्रज में जितने देवा देवी है ना जगत में, इंद्र चंद्र वायु वरुण सब देवता, ये देवता को किसने ये पोस्ट में लगाया है, जैसे मोदी किसको वित्त मंत्री बना दिया, किसको बना दिया रेल मंत्री, किसको बना दिया मुख्यमंत्री, किसने बनाया, मोदी ने तो अलग अलग बनाया ना सबको बनाया, उसी तरह जो कृष्ण भी ऐसे ही जो इतना देवता है ना, इनको अलग अलग काम किसने दिया, लक्ष्मी को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, सरस्वती को उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने विद्या की एजुकेशन मंत्री बना दिया, इसलिए इंद्र को क्या बना दिया, वर्षा कराने वाला बना दिया, इसलिए सब किसने पोस्ट में नियुक्त किया है, कृष्ण ने किया है। लेकिन जब कृष्ण ने किया, फिर कृष्ण पर उन्होंने इंद्र पूजा को फिर क्यों बंद करवाया, जब समय कृष्ण ब्रज में आए, जब कृष्ण ने जब देखा मैया जस्ता रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बना रही थी, कृष्ण ने बोले मैया ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रहे हो, क्या कल मेरे जन्मतिथि, बोले नहीं, बोले फिर दाऊ भैया का, बोले नहीं, पर फिर बोले तो पिताजी को पूछ, पिताजी आकर पिताजी को पूछो, पिताजी जिससे जब बोले, पिताजी ने क्या बोले, हम श्री इंद्र पूजा करेंगे। फिर तो कृष्ण तरह तरह का जुक्ति दे करके, बोले पिताजी इंद्र पूजा क्यों करेंगे, बोले हम लोग सबके सब ग्वाला है, हमारा मूल धन गावी और इंद्र के अधीन में ये परजन्य में, उनके अधीन में होने का नाते वो आधे से दिन भर बारिश होता है और बारिश से घास उठता है, गैया घास खाते हैं, दूध देते दूध ही हमारा प्राण है। तो कृष्ण ने क्या युक्ति दिया, बोले ये जंगल क्या इंद्र को पूजा करते हैं, तो वहां की बारिश होती है, ये समुद्र क्या पूजा करते हैं, बोले नहीं, बोले वहां की बारिश होती है। उन्होंने ऐसे कृष्ण युक्ति तर्क दिया है ना, युक्ति तर्क दे करके बोले पिताजी ये इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, पूजा करना तो किसकी पूजा करो, बोले से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि यहीं से हैं हरा भरा वृक्ष, यहीं से
पानी हमको यहीं से मिलता है, गैया यहीं से घास खाते हैं, वृक्ष होने पर मेघ को खींच करके ले जाती हैं, इसलिए बारिश होता है, इसलिए हमारा जो प्रत्यक्ष देवता कौन है, ये गिरिराज गोवर्धन। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। और हम लोग गो पूजा करेंगे, हम ब्राह्मण पूजा करेंगे, ये हमारे देवता है, इसलिए पूजा करते किसको करो, श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। फिर कृष्ण फिर इंद्र को खुद नियुक्त किया, फिर इंद्र को फिर उन्होंने पूजा के लिए बंद कर दिया, क्यों किया, क्योंकि और इस बदले का बारिश दे रहा था। अब बोल सकते हैं उन्होंने इंद्र पूजा को उन्होंने क्यों बंद करवा दिया, इसलिए यहाँ पर कृष्ण एक शिक्षा देते हैं। इसको तो इंद्र गिरिराज पूजा करने का तो बहुत सारे कारण है, और इंद्र पूजा को बंद करने का भी बहुत सारे कारण है। विशेष रूप में कृष्ण ये कह शिक्षा दे रहे हैं, भैया इंद्र को पूजा करना तो दूसरे दूसरे व्यक्ति पूजा करे, लेकिन ये जो ब्रजवासी लोग है ये हमारे प्राण धन है। ये ब्रजवासी कौन है, कृष्ण की जो माँ और पिताजी है, हैं? अगर कृष्ण कह अगर नंद बाबा कहते लाला मेरे खड़ाओ ले आओ, कृष्ण क्या करते हैं, ठुमुक ठुमुक करके चलते हुए जाते हैं, खड़ाओ हाथों में नहीं, खड़ाओ को सर पर रख करके लेकर के आते हैं, हैं? अगर नंद बाबा कुछ पान खाते हैं ना, कृष्ण उनको मुंह में अंगुल डाल करके बच्चे होते हैं निकाल कर कृष्ण भी खाते हैं। नंद बाबा कृष्ण को गोद में बैठा करके बलदेव प्रभु को कढ़ी चावल दूध चावल एक और तो लाला को खिलाते हैं, दाऊ भैया को एक और, कृष्ण को और एक और खुद खाते हैं, इनकी झूठन खाते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे भले ही दूसरे दूसरे पूजा करते पूजा करे, लेकिन हमारी ब्रजवासियों को ये सब पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, जिनका पूजा मैं स्वयं करता हूँ। इंद्र कौन है, वो मेरे सेवक इंद्र है, मेरे दास है, हैं? मेरे आप कहते हैं मत भयात बातिवास स्वयं सूर्य तपति मत भयात बरसती इंद्र, इंद्र मेरे आदेश पर काम करता है, तो मेरे सेवक का सेवक है, ये ब्रजवासियों का इतना महान है, इनकी एक चरण धूलि में इतने शक्ति ब्रज में चिंतामणि ये है, कितने इंद्र को चंद्र को ये प्रकट कर देंगे। इसलिए भैया मेरे ब्रजवासियों को मेरे सिवाय और किसी को पूजा नहीं करनी चाहिए, मैं जिनकी पूजा स्वयं करता हूँ। इसलिए यहाँ पर कृष्ण स्वयं ये देवी को बोले थे, बोले देवी जगत में तुम्हारी बहुत नाम होगी, लेकिन आप देखो ब्रज में ये कात्यायनी देवी को उन्होंने पूजा कौन पूजा की, ये गोपी और करी तो क्यों पूजा की, ये कात्यायनी की पूजा की, हाँ मतलब हाँ पति रूप में पाने के लिए। यहाँ पर यद्यपि वो दिखाई पड़ता है पूजा कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है, कारण क्या है, कर नंद सूत सुतम देवी पति में गुरुते नम, इनको जो पूजा कर रहे हैं सबके से भगवान के भक्त हैं, कृष्ण सेवा के लिए, वो अपना स्वार्थ के लिए नहीं, अपना भोग सुख के लिए नहीं, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के लिए ही ये सबके सब पूजा कर रहे हैं। इनका जो मूल लक्ष्य है कृष्ण कैसे में, कृष्ण कैसे मिले, इसलिए कृष्ण कहते देखो देवी जो व्यक्ति ये संसार का भोग सुख को मांगेगा ना चाहेगा वो तो तेरी पूजा करेगी, लेकिन जो भक्ति चाहेगा वो तेरे को पूजा नहीं करेगी, वो मेरे पूजा करेगी। जो दुनियादारी वस्तु चाहेंगे वो दुनियादारी वस्तु है तुमको पूजा करके दुनियादारी वस्तु मिलेगा, लेकिन जो भक्ति करेंगे मेरे प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं वो मुझे ही प्राप्त मेरे को ही वो पूजा करेंगे। इसलिए कहते भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरम अभि बेसान भागिन मन आनक दुंदुही। अभी ठाकुर जी अभी आने वाले हैं, बलदेव प्रभु सप्तम गर्भ में बलदेव प्रभु आए और अष्टम गर्भ में स्वयं कृष्ण आ रहे हैं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं बोले भगवान अपि विश्वात्मा, कृष्ण कौन है, ये भगवान है। भगवान मतलब क्या है, जिनको अंदर में छह ऐश्वर्य, कितना ऐश्वर्य, कौन कौन बोलेगा, हाथ उठा माताओं के अंदर में हाथ उठा, कौन कौन बोलेगा, बोलो कौन बोल सकता है कृष्ण का अंदर में। देखो कभी कभी ना हम ये सब चीज को नहीं जानते हैं, इसलिए जिसको जिसको भगवान बोलकर ना पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जैसे भेड़ चाल है ना, भेड़ चाल जानते हो, जब भेड़िया चलती है अगर कोई नदी आ जाए वो सहज में छलांग नहीं लगाना चाहते, वो जो भेड़िया चराने वाले क्या होता है, एक भेड़िया को उठाएगा और जोर जबरदस्ती पानी में फेंक देगा, जब फेंक देगा ना, जब देखता एक भेड़िया
तो फेंक दिया, तैर रहा है ना, फिर भेड़िया को कुछ करने का जरूरत नहीं, पहले तो कूदना नहीं चाहिए, फिर एकाध कर चला गया, फिर एकाध कुछ करने का जरूरत नहीं। कभी कभी हम भेड़ चाल में हैं, वो अमुक व्यक्ति कह रहे भगवान, हाँ ईसाई बाबा भगवान है, ये अमुक बाबा राम रहीम भगवान है, और ये भगवान, ये सब भेड़ चाल है। कारण है हम लोगों ने शास्त्र ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए जिसको जिसको भगवान बोल कर पीछे पीछे पूजा और भरना शुरू कर देते हैं। अगर शास्त्र ग्रंथों को पढ़ोगे समझोगे भगवान का डेफिनेशन क्या है, फिर इधर उधर नहीं भागोगे, पूजा करोगे तो श्री हमारे नंदलाला को भगवान राम को ही भक्ति करोगे, नारायण को भक्ति करोगे, और किसको पीछे आप नहीं भागोगे। इसलिए भगवान किसको कहते हैं, जिनके अंदर में छह ऐश्वर्य जब परिपूर्ण है उसको भगवान कहते हैं। अब बताओ क्या छह ऐश्वर्य, माइक ले लो बढ़िया से बोलो, इधर लो क्या क्या ऐश्वर्य, इधर आ जाओ और अच्छे तरह से व्याख्या करते हुए बोलना कहाँ कहाँ उनका ऐश्वर्य दिखाई पड़ा है। हरे कृष्णा, तो गुरुदेव ने बताया है कि भगवान भगवान किसे कहते हैं, जिसके अंदर षड ऐश्वर्य विराजमान हो। छह ऐश्वर्य क्या है, जैसे कहते ना भगवान, जैसे कहते ना धनवान, धनवान किसको कहते हैं, जिसके पास में धन हो उसको धनवान, बलवान किसको कहते हैं, जिसका अंदर में बल हो उसको बलवान कहते हैं, उसी तरह कहते भगवान। इसलिए भग मतलब होता है ऐश्वर्य, बाण मतलब होता है जिसको अंदर में ये ऐश्वर्य है, जिसको अंदर में ये ऐश्वर्य है, इसलिए इनका नाम भगवान। तो एक श्लोक के माध्यम से भगवान जी ने छह ऐश्वर्य वो बता रहे हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्य चैव धनाम भव इति गणा। ये छह चीजें बता रहे हैं क्या क्या, ऐश्वर्य सबसे पहले भगवान का ऐश्वर्य कैसा है, ऐश्वर्य अर्थात ऑपुलेंस अर्थात भगवान की भगवान का यश भगवान की धन दौलत जो है उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान का ऐश्वर्य कैसा है, भगवान जैसे भगवान का ऐश्वर्य देखने के लिए आप भगवान के धाम किसी, क्योंकि भगवान की हर एक वस्तु में ही उनका ऐश्वर्य प्रकाशित होता है। भगवान के धाम जैसे बताया वृंदावन धाम कैसा है, चिंतामणि प्रकट सद्म शुकल्प वृक्ष की वृंदावन धाम की एक एक धूल का जो कण है वो एक एक धूल कण क्या है, चिंतामणि स्वरूप है। चिंतामणि अर्थात अगर किसी चिंतामणि से क्या होता है, अगर हम जो चिंतन करेंगे वो ही प्राप्त हो जाएगा, तो भगवान का इससे ऐश्वर्य, भगवान क्या है ये इससे उनकी वेल्थ पता चलती है। भगवान क्या है, क्योंकि जैसे अभी बता रहे थे ना भगवान ने ही सबको नियुक्त किया है, जैसे सब लोग लक्ष्मी ऑपुलेंस किससे, वेल्थ किससे आती, धन दौलत की हम लोग धन दौलत चाहिए होती है तो पूजा करते हैं लक्ष्मी की, लेकिन वो ही लक्ष्मी जो है भगवान के वक्ष स्थल पर विराजमान है, वही लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा करती है। तो सोचो जो जिनके मालिक हैं भगवान, जिस लक्ष्मी के मालिक भगवान हैं, तो उनका ऐश्वर्य कैसा होगा। इसलिए सारा ऐश्वर्य जो है, सारी वेल्थ सारे धन दौलत जो है वो उसके मालिकों ने भगवान, और जैसे जैसे सुदामा है भगवान ने दो मुट्ठी चिड़िया खाई, भगवान जब इच्छा किया ना राता रात सोने के महल खड़ी होगी। अब टीवी में देखे होंगे ना जब श्री सुदामा आता है वो घर नहीं देखा है सोने की महल, और कितने दास दासियां वहां सेवा कर रही थी हैं। जब कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारका में जाना चाहते हैं, एक तरफ में शिशुपाल, एक तरफ में जरासंध और दूसरे तरफ में काल ने आक्रमण कर रहे हैं, विश्वकर्मा को बोला तो राता रात समुद्र के बीच में, समुद्र के बीच में पूरा द्वारका पूरी सोने की दोने का पूरी गर्भ खड़ी हो जाए, और सो रहे थे कहां पर, मथुरा में। जब सबर देखा ना, मथुरा नहीं देखा, क्या देखा, कहां सो रहे, द्वारका में सो रहे, पूरा द्वारका पूरी राता रात खड़ी हो गई। ये काम कोई कर सकते हैं, कोई कर सकते हैं, कोई कोई कर ही नहीं सकते इस काम को, ये कौन कर सकते हैं, ये भगवान केवल कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकते। इसलिए पहला जो उनका गुण है, जितने सारे ऐश्वर्य का समग्र मतलब है, जैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी, और अमेरिका का बोलो कौन, वहां पर एक है और एक जगह पर प्राइम मिनिस्टर अलग है, लेकिन कोई पृथ्वी का कोई मालिक नहीं बन सकते, पृथ्वी का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, लेकिन जो समग्र मतलब
केवल भारत नहीं, केवल पृथ्वी नहीं, भूर भूव मोह जन तप सत्य लोक तक नहीं, अतल बीतल तलातल पाताल लोक तक नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जिनकी एक एक लोक रूप में विद्यमान, वो कौन है? यदि भगवान ये कृष्ण है, कि भगवान ये कृष्ण है, इसलिए कहते सारे ऐश्वर्य का जो मालिक है, जो लक्ष्मी की जो पति लक्ष्मी जी की चरण की सेवा करती, इनका ये पहला ऐश्वर्य जैसा। उसके बाद में ऐश्वर्य उसके बाद में वीर्यस, तीसरा गुण बताया वीर्यस, अर्थात भगवान जितने बलवान है उतना बलवान कोई भी नहीं है। भगवान देखो छह गुणों के थे, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उसके बाद में कंस को जब पता चला तो उन्होंने आदेश दिया कि आसपास के गांव में जितने भी संतान उत्पत्ति हुई है उन सबको मार दो, तो उन्होंने पूतना को भेजा। भगवान सिर्फ छह दिनों के थे, तो छह दिनों के बालक में कितना बल होता है? छह दिनों के बालक में कोई बल नहीं होता, एक करवट भी नहीं ले पाता, अगर शरीर पर मक्खी बैठी हो तो वो भी नहीं उड़ा सकता छह दिन का बालक। तो उस छह दिनों के बालक ने केवल अपने अधरों से ही जो है पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध कर दिया। यहाँ पर भगवान का बल, जो भगवान का वीर्य है वो प्रकाशित हुआ है। भगवान इतने बलवान हैं, भगवान कितने 7 साल की उम्र में उन्होंने सात को गिरिराज को उठाया, अनेक अनेक असुर को, जितने कितने ही असुर को कंस ने भेजा उन सबको भगवान ने मार दिया। ठीक है, तो इससे भगवान इससे पता चलता है कि भगवान सबसे ज्यादा बलशाली। हम लोग जिसको तिसको भगवान बोल देते हैं, आप लोग गिरिराज गए हो, कौन भाई हाथ उठा? अब उसको परिक्रमा लगाने के लिए कितना समय लगता है? 7-8 घंटा लग जाते हैं। और कृष्ण ने क्या किया उसको कनिष्ठ अंगुल में, कोई हम कभी कभी कहते हैं ना अरे हमारे लिए कौन सा बड़ी बात, हम तो उल्टा हाथ से कर सकते हैं, बोले उल्टा हाथ नहीं सबसे छोटे अंगुल नहीं, नख को पर गिरिराज गोवर्धन दार ने किया। अगर जिसको भगवान अभी भगवान कहते हैं एक 10 क्विंटल पत्थर ला कर सर पर लगा सारे भगवान निकल जाएगा, सब पीछे निकल जाएगा। वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए? वहां सुना होंगे कालिया रहते, जिसमें कालिया रहता था पानी उबलता था इतने उसमें जहरीला था, ऊपर में कोई चिड़िया भी उड़ करके नहीं जा सकते थे, आस पास में कोई पेड़ नहीं था, लेकिन कृष्ण क्या किया वो कालिया रहते ने छलांग लगाई और उसको खदेड़ा नहीं, उसको सर के ऊपर ठाकुर जी नृत्य किए। फिर रात में आज जब आग लगती है ठाकुर जी क्या किया, पूरा के पूरा अग्नि को 3-3 बार ब्रज में उन्होंने अग्निपान किया। अब जिसको भगवान कहते हैं थोड़ा मुंह में विष डाल करके देखो सारे भगवान निकल जाएंगे, थोड़ा बोलो मुंह में थोड़ा आग लगा। एक समय क्या हुआ, हमारे कोई एक संत प्रचार करने के लिए गया था, प्रचार करने के लिए गया तो एक व्यक्ति था जिसको बंगाल में भगवान कहते, और हमारे प्रभुपाद का कोई शिष्य प्रचार करने के लिए गया था तो बोल रहे थे भगवान, उन्होंने के जलते हुआ लकड़ी की आग लगी और आग लेकर उसको पीछे भागे, बोले इसको मुंह में घुसा लो, बोले क्यों, बोले भगवान बोल रहे ना, भगवान कृष्ण था अग्निपान किया था, अभी तुम्हारे मुंह में अग्नि घुसा लूंगा देखकर तू कैसे, वहां से भागे उसने, वहां से राज वहां से वो भाग गया वहां से। इसलिए भगवान सब नहीं हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं जिसको अंदर में सारे पराक्रम हैं, जिसको अंदर में सारे पराक्रम ये कौन है, दूसरा गुण के भगवान का। उसके बाद में यश, उसके बाद में बताया है यश, भगवान का यश अर्थात फेम प्रसिद्धि। तो भगवान का यश कैसा है, भगवान ने ही जैसे एक चीज से भगवान यश किसका होता है, जिसके पास बहुत सारी चीजें, जिस भगवान ने इस अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करी है वो इन सब के मालिक है, इस प्रकार उनकी कीर्ति है। और उनकी कीर्ति जैसे अगर कोई जैसे मोदी ने क्या किया था बीच में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति बोल देगा कल से भैया 2000 का नोट नहीं, कल से 500 का नोट नहीं चलेगा, पुराने नोट नहीं चलेंगे नए नोट चलेंगे, तो कोई मान लेता? नहीं मानता, क्योंकि मोदी कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उसने जब बोला तो ये सब मानना चालू हो गया। तो ऐसे ही भगवान की कीर्ति कौन कौन गा रहे हैं, एक श्लोक में बताया गया है कि यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंति दिव्य, भगवान की स्तुति कौन कौन कर रहे हैं, ब्रह्मा रुद्र मरुत इंद्र ये सारे जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ये अनंत अनंत मुखों से। इनफैक्ट भगवान की स्तुति करने के लिए अनंत देव जो है, अनंत देव अपने अनंत पणों से भगवान के यश का गान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अनंत समय तक गान करने पर भी उनका उनकी यश की कीर्ति को बखान नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार भगवान का यश है। उसके बाद में बताया ज्ञान श्री यश, हाँ
श्री श्री अर्थात होता है सौंदर्य, श्री अर्थात होता है सौंदर्य। तो सौंदर्य के रूप में, सौंदर्य के लिए जैसे हम लोग सुनते हैं किस प्रकार अलग अलग जगह पर भागवतम के अंदर अलग अलग भगवान के रूप का वर्णन आया है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति करी तो उसके अंदर बता रहे हैं भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है, भगवान का कैसा स्वरूप है, बहुत ही मनोहर स्वरूप है। उसके अंदर बता रहे हैं भगवान ने सुंदर मयूर कुछ सिर पर धारण कर रखा है, भगवान का रिबुल, भगवान ने सुंदर मयूर कुछ सिर पर धारण कर रखा है, उन्होंने सुंदर पीतांबर पहना हुआ है, उन्होंने कहते उनका जो श्री श्री मतलब होता है सुंदर था, लेकिन इसी जगत में देखना हम कब सुंदर, जब जवान ही होता है सुंदर था, उसके बाद जब बुरा हो जाती है सुंदरता रहती है, सुंदरता नहीं रहती है, है? लेकिन भगवान जैसे भगवान ने नाम इस जगत में कितने साल तक ठाकुर राम राजो तो किया कोई बोल सकते हो 11,000 साल तक है, लेकिन भगवान राम का रूप में कभी बुढ़ापा देखते हो, कभी उनको दाढ़ी निकली, कभी उनकी मोच ना गोप बोलते हो मोच, कभी उनकी मोच देखिए भगवान राम थी। भगवान कृष्ण कितना साल तक रहेगा आपको पता है 125 साल तक, भगवान की मूंछ कभी दाढ़ी देखे हो, भगवान के स्वरूप में कभी बुढ़ापा देखे हो? शास्त्र में कहते हैं जो भगवान होते हैं भगवान नारायण में कभी मूंछ दाढ़ी देखे नहीं, क्योंकि उनका जो स्वरूप होता है नव किशोर नटवर, मतलब है 14.5 साल से भगवान कभी भी ज्यादा उम्र के होते नहीं। कितने लक्ष्मी, कभी लक्ष्मी में कभी बुढ़ापा देखी हो? नहीं। वो जो लक्ष्मी है ना वो 13.5 साल से इनकी उम्र कभी ज्यादा नहीं होती है, और जो भगवान होते हैं 14.5 साल से कभी भी इनका उम्र ज्यादा नहीं होती, कभी इनकी दाढ़ी मोचे कभी होती नहीं भगवान की, हर समय इतने सुंदर कृष्ण। लक्ष्मी जो कृष्ण की सुंदरता सुन करके वैकुंठ छोड़ करके तपस्या कर रही है, खुद नारायण जब कृष्ण की सुंदरता देखकर मुग्ध हो जाते हैं, कृष्ण जब खुद रूप को देखते ना परछाई में कृष्ण स्वयं चक्र में बढ़ जाते, भैया इतना सुंदर कौन है? इसलिए कहते भूषण 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 का भी भूषण कौन है कि भगवान कृष्ण। इसलिए कभी कभी गोपियां इनको ताना करती हैं, नंदलाला तू जो होत लाली गला कट जाती करोड़ों की, अच्छा हो गया परमात्मा तेरे को लाली नहीं बना कर लाला बन जाता, इसलिए तू इतने सुंदर हो, इतने सुंदर अगर लाली बनता है ना पता नहीं सारा दुनिया तेरे पीछे पागल हो जाते, मर जाते युद्ध करते करते। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर था। इसलिए एक बात याद करो, भगवान कभी ताली नहीं निकलेगा, कभी इनके मोच नहीं निकलेंगे, और भगवान कभी बूढ़े नहीं होंगे, और भगवान कभी मरेंगे नहीं। भगवान कभी रामायण देखे हो? कौन कौन देखे रामायण? राम इस जगत को छोड़े गए, चीज अच्छे तरह समझो, दूसरों को भी समझा सकते हो। भगवान राम लास्ट में कैसे गए? सबके सब सरज रथ में प्रवेश किया, एक तरफ में प्रवेश कर रहे, दूसरे तरफ में चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो रही, सभी के लिए सांकेत से विमान आए। भगवान अकेले नहीं गए, क्योंकि भगवान जब आते हैं पूरा अपना धाम को लेकर ठाकुर जी आते हैं, पूरा अयोध्या धाम है, पूरा वृंदावन धाम है कि नहीं भगवान की, इसलिए अपना परिक्रम को लेकर के आते हैं और परिक्रम को लेकर ठाकुर जी चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण भी उसी तरह परिक्रम को लाए, और जब गए पूरा परिक्रम को लेकर के ठाकुर जी अपना धाम से ठाकुर जी चले गए। इसलिए भगवान कभी मरते नहीं, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान का दाढ़ी नहीं बचे, ठाकुर जी की कभी मोज होती नहीं, इसलिए उनका जो ऐश्वर्य बोले श्री समग्र सब श्री, उसके बाद में ज्ञान बोलो ज्ञान। तो इस संसार का ज्ञान अगर आप देखोगे, इस संसार के अंदर अगर हमको कोई भी एजुकेशन लेनी होती है, कितना सारा परिश्रम, 4-5 साल की एजुकेशन लेकर अगर बचपन से भी देखें स्कूलिंग, उसके बाद में कॉलेज, उसके बाद में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम लोग दक्ष हो पाते हैं, वो भी ठीक से नहीं, क्योंकि नए इन्वेंशन होने के बाद बाद में हमारी नॉलेज हर साल कोर्स बुक्स चेंज होती है, हर साल जो है नई चीजें आती है। तो इस संसार के जगत में अगर, इस संसार में अगर आप देखोगे तो ज्ञान जो है किसी एक व्यक्ति को किसी एक फील्ड में, जो अगर कोई डॉक्टर है तो वो इंजीनियर पर काम नहीं कर सकता, अगर कोई इंजीनियर है तो वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, लेकिन भगवान के अंदर क्या है, ये सारे ज्ञान के स्रोत भगवान ही हैं, ये सारी जड़ विद्या और जो पराविद्या है उसको भगवान ने ही प्रकट किया है। भगवान ने सर्वप्रथम ये विद्या जो है ब्रह्मा जी को दी थी, अगर पराविद्या की भी बात करें तो उससे उसी से ही ये जड़ विद्या आई है।
तो उसके बाद में ब्रह्मा जी से होते होते ही आगे विद्या ट्रांसफर हुई। जो ये सारी एजुकेशन है, ये एजुकेशन किससे आई? हमारे शास्त्रों से। तो चतुर्वेद जो है वो भी कहां से आए हैं? ब्रह्मा जी से आए हैं। और ब्रह्मा जी को ये ज्ञान किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तो भगवान इन सारे ज्ञान के स्रोत। इसलिए हम लोग भागवत पढ़े होंगे, ठाकुर जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, कितना दिन में पढ़ाई कर लिया? 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को अध्ययन किया। 64 विद्या मतलब जगत में जितने कला है ना, 64, जैसे CA, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई आर्ट, नृत्य विद्या, जितनी जगत में विद्या वो 64 तरह का है। लेकिन ठाकुर जी 64 दिन में ही उन्होंने 64 विद्या को पूरी कर दिया। देख करके शांति बनी मुनि का आश्चर्य पड़ी गुरु ये भगवान। जैसे कोई CA करता है, डॉक्टर भी करता है ना, देखना जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते एक सब्जेक्ट को खत्म नहीं कर पाता है। लेकिन उन्होंने देखो 64 दिन में 64 विद्या, हे भगवान, ये भगवान के सिवाय ये काम कोई नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपना पत्नी को बोले, देखो पत्नी, कृष्णा बलराम जब जाएंगे नियम गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। हम ऐसे एक चीज मांगेंगे जिससे पता चल जाएगा ये भगवान, भगवान क्या कर सकते हैं, है को नहीं, नहीं को है कर सकते हैं। इसलिए क्या मांगेंगे? हमारा जो बेटा मर गया बचपन में, अपना मरा हुआ बेटे को मांगे, भगवान को कर सकते हैं। और उन्होंने मरे हुए बेटे को मांगे। और ठाकुर जी क्या कहे, गए जब महाराज को पास में, जब शंख बजाए ना, जब थत्थर थत्थर कांपते कांपते आए, लगता है मेरी बारी आ गया है। क्योंकि उनने सभी का घमंड को तोड़े, सबको घमंड को ठाकुर जी तोड़े, इंद्र चंद्र सभी का थत्थर थत्थर काल स्वयं आए। बोले बोले ठाकुर जी क्या सेवा करे? बोले मेरे मृत पुत्र को ला। उन्हें मृत पुत्र को लेकर के आए, मृत पुत्र को शांति बनी। बोलिए ठाकुर जी आप जो दक्षिणा दिया ना, ये दक्षिणा जीवन में कोई नहीं दे सकता, मरे हुए पुत्र को वापस ला सकते हैं। जब देवकी को पता चला, मैं उन्हें लाए, बोले मेरे 6 बेटे को भी देखने की इच्छा कर रहे हैं, कल सब आ दी, 6 बच्चों को ले आना। अभी किसी व्यक्ति को जिसको भगवान कहते, बोलो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करके कर सकता है, मरे हुए व्यक्ति को ला सकते हैं? हाँ। इसलिए भैया सबको हम भगवान नहीं कह सकते हैं, सबको भगवान हम कह नहीं सकते। इसलिए जो कभी जो 6 गुण जिनके अंदर में जो वैराग्य, 6 गुण जिसके अंदर में परिपूर्ण रूप में होगा वो भगवान। इसलिए यहाँ पर कहते भगवान कृष्ण कौन है, कहते ये भगवान अभी, कहते ये विश्वात्मा, दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं विश्व ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? ठाकुर ही विश्व ब्रह्मांड का आत्मा। आत्मा मतलब यहाँ पर कहते हैं आत्मा, कहते भक्तानाम अभयंकर, ये क्या करते भक्तों को हर समय अभय प्रदान करते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है मेरे शरण में जो आएगा उनकी चरण में अशोक अभय और अमृत ठाकुर जी की चरण। इसलिए कहते अभय कर, बोले आप भी बेसान भागे न मन अनंत दुंदुभी। भगवान ने क्या किया? अनंत दुंदुभी मतलब होता है श्री वसुदेव महाराज। कहते वसुदेव महाराज के मन में उन्होंने पूर्ण रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। इसका तात्पर्य यह है यहाँ पर जो भगवान जन्म हुए, जैसे हम लोग जन्म हुए, हमारी जन्म कैसे हुआ? जब पिता माता दोनों मिले तो सुख शुक्र जन्म हम कहते हैं, शुक्र से हमारी जन्म हुई है। लेकिन भगवान क्या जन्म ऐसे हुए है? कर नहीं, ऐसे भगवान जन्म नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम्। उसको लिख कर जो कथा दोगे ना, यही बात बताओ भगवान हमारे जन्म में क्या फर्क है। देखो ये बात को सारे कौन लिख रहा है? श्यामानंद लिख रहा है। इसलिए खड़े कर तो सारे बात में बताता है, लेकिन तुम लोग बोलते समय ये भूल गए वो भूल गए, क्यों लिखे ही कोई लोग नहीं क्या, तो बोलो क्या। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते यहाँ पर विश्वनाथ अभी टीका दे रहे हैं, कहते हम जैसे जन्म हुए ठाकुर क्या ऐसे जन्म हो गए? बोले नहीं, भगवान का जो जन्म है जन्म कर्म च मे दिव्यम्। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म ये अप्राकृत अलौकिक है। एवं जह व्यक्ति तत्वतः, इसको जो तत्वतः जो ज्ञान लेता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नयति मामेति स्व अर्जुन, हे अर्जुन शरीर छोड़ने का बाद दोबारा जगत में जन्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कैसे आए? सर्वप्रथम उन्होंने वसुदेव महाराज का हृदय में प्रकट हुए। जब हृदय में प्रकट हुए फिर वसुदेव महाराज अपना देवकी को बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने भगवान की उन्होंने प्यारी प्यारी कथा सुनाई। जब कथा सुनाए भगवान शब्द ब्रह्म रूप में
वसुदेव कुटुंबक महाराज का हृदय से उन्होंने देवकी का हृदय में किया। उदाहरण देते हैं, जैसे गुरुदेव हमें मंत्र देते हैं, ठाकुर जी का नाम देते हैं, कहाँ देते हैं, कानों में देते हैं। ठाकुर जी का नाम मंत्र गुरुदेव सीधा कानों में हमें मंत्र देता है। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र रूप में वो कृष्ण स्वयं, जैसे गुरुदेव शब्द ब्रह्म रूप में कान में मंत्र दिया, यही मंत्र हमारे हृदय में गया। जब मंत्र को फिर हम जप करते हैं, हमारे हृदय में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाते, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाते। तो उसी तरह वसुदेव महाराज के हृदय में प्रवेश किए, उनने देवकी को बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण कथा सुनाई, और कथा सुनाने पर शब्द ब्रह्म रूप में उन्होंने देवकी के हृदय में प्रवेश किया। इसलिए यहाँ वसुदेव, यहाँ पर विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं, यहाँ पर जो धातु संबंध नहीं, इनका अंदर कोई धातु संबंध नहीं है, यहाँ पर दिव्य है, दिव्य ब्रह्म शब्द ब्रह्म के द्वारा ही इनके हृदय में जब आए। यहाँ पर कहते हैं, प्रसाद देवकी सर्व जगत निवास, निवास भूता नितराम नरे जे भजेंद्र गेहे अग्नि शिखरे रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले जथा मति। यहाँ पर कह रहे हैं, सा देवकी सर्व जगत निवास, निवास भूता नितराम तरे जे। कहते ये देवकी कौन है? बोले सर्व जगत का जो निवास है, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, जिनकी गर्भ में विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है। लेकिन आज जिसकी गर्भ में विश्व ब्रह्मांड है, वो आज किसकी गर्भ में आ रहे हैं? बोले निवास भूता नितराम तरे जे, ये देवकी के हृदय में, देवकी की गर्भ में आए। जिस गर्भ में विश्व ब्रह्मांड, वो किसकी गर्भ में आए? देवकी माँ की गर्भ में। प्लस देवकी मैया की जय। लेकिन यहाँ पर एक बात कहते हैं, बोले इन्होंने तो देवकी गर्भ में आए, लेकिन उसी समय देवकी माँ कहाँ पर है? कारागृह, कारागृह में है, कारागृह में। इसलिए उनका शरीर, जब भगवान इनकी शरीर में जब ठाकुर जी प्रकट हुए, इसलिए जैसे कंस जिस समय देखने के लिए आया, उन्होंने देखा देवकी की जो तेज, पूरा जेल पूरा आलोकित आलोकित हो रहा है, दिव्य आलोक में पूरा आलोकित हो रहा है। और देवकी की जो हंसी है ना, एक होता है आर्टिफिशियल हंसी, एक होता है स्वाभाविक हंसी। उन्होंने देखा देवकी के मुंह में जो हंसी है ना, वो स्वाभाविक रूप में दिव्य हंसी है। वो हंसी दुनिया में किसी के साथ में तुलना नहीं कर सकते। क्यों? ठाकुर जी जिसकी गर्भ में, भगवान जी ठाकुर जी आए। कंस समझ गया, क्या समझ गया? मेरा काल आ गया, मेरी काल आ गया। उन्होंने सोच रहा था उसको मार डालूं, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हुआ। क्यों? जिसकी गर्भ में स्वयं ठाकुर जी आए। फिर कंस सोच रहा है, अगर इसी समय में अगर मैं मारूंगा, एक साथ में दो प्राणी की वध होगा, एक तो देवकी की और उसके गर्भ में बच्चा की। अगर मैं मार दूं ना, सारा दुनिया जब तक जिंदा रहूंगा, बोलेगे जो गर्भवती थी अपने बहन बेटी के बराबर, उसने तुमने उसको मारे हो, सारा जिंदगी मेरी बदनामी होगी, सारा जिंदगी मेरी बदनामी होगी। इसलिए यहाँ पर और एक अच्छी बात कह रहे हैं, उदाहरण देते हैं, उनके गर्भ में जब ठाकुर जी आए, लेकिन उसका तो दिव्य तेज प्रकटित हुआ, लेकिन उसको अनुभूति कौन किया? दो तीन व्यक्ति केवल वो तेज वो देख पाए, एक ने वसुदेव देखे, एक देवकी देखी, और कंस ने जहाँ करके देखा, उसको थोड़ी बहुत देखा, इसको ये आनंद किसी ने अनुभूति नहीं कर पाए। उदाहरण दिया, जैसे किसी घर में, जैसे अग्नि रुधा, अगर किसी घर में अगर आग लगे, अगर चारों तरफ में अगर बंद हो आग, घर चारों तरफ में बंद हो, जैसे उसको अंदर में ही आग क्या होता है, अंदर में ही वो जलता है, चारों तरफ में जहां पर बंद है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर ज्यादा आग लग जाए ना, वो घर को भी फाड़ देता है, घर को भी जला देता है, और जलाने वाले को भी जला देता है। कहते उसी तरह यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कंस कारागार में देवकी वसुदेव को रखा, अभी देवकी हृदय में ठाकुर जी आए, लेकिन ठाकुर जी आए ये आनंद को सभी अनुभूति नहीं कर पाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आग जब ज्यादा जल जैसे घर को जला करके बाहर को भी जला देती है, लेकिन कृष्णा जो इनके हृदय में आए, एक दिन क्या होगा, पूरा के पूरा ये कंस समेत उनका जितने अघासुर बकासुर त्रिनाभर तो पुतना, एक दिन इनको भी जला करके ये राख करने वाले, इनको भी ये जला करके राख करने वाले हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं एवं प्रसन्नता, इसलिए कंस
अभी क्या करना है कंस? अभी तो उसको बद्ध किया है, अभी कंस को पता चला आकाशवाणी हुई थी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। अभी कंस को और नींद नहीं आ रही, कंस को नींद हराम हो गई। अभी उठते बैठते सोते यहां पर कहते हैं हर समय कृष्ण पर्यटन करते में खाते समय सोते समय हर समय किसका चिंतन हो रही? अपना काल, मेरे काल आने वाले, मेरे काल आने वाले, वो काले काले मुरली वाले मेरे काल आने वाले। अभी उसका जो नींद हराम हो रहा है, उसकी नींद हराम ही हो रहा है, उसका आराम हो रहे हैं, सारा दिन अपना काल की चिंता। देखो यहाँ पर विश्वनाथ चक्र एक अच्छी बात कहते हैं, जिन भगवान को स्मरण करने से क्या होता है, जीव का दुख कष्ट दूर हो जाता है। कहते ना उनका चरण को स्मरण करो सब तुम्हारी दुख कष्ट दूर हो जाएगा। भक्त लोग जिनको स्मरण करते हुए आनंद में डूब जाते हैं, लेकिन वही आनंद करते को कंस स्मरण करते करते क्या हो रहा है, उसको डर, उसका भय, अरे काल कब जन्म हो जाएगा, मर जाऊंगा। कहते भक्त अभक्त में यही फर्क है, भक्त जिनको स्मरण करते हुए आनंद प्राप्त करता है, अभक्त जिनको स्मरण करते हुए दुख कष्ट भोग करता है, डरता है। कल भक्त अभक्त में यही फर्क है, इसलिए कल हम लोग श्रवण करेंगे कैसे ठाकुर जी देवकी के गर्भ में आने पर कैसे सबके सबके से प्रसन्न हो रहे, कैसे सारे देवता लोग आकर के उनके गर्भ स्तुति कैसे कर रहे, ये सब बात को कल हम लोग श्रवण करेंगे। बोले श्री कृष्ण के कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला, हाँ हरे कृष्णा। देखो आप लोग अगर थोड़ी जल्दी आओगे ना, हम कथा को भी और थोड़ा जल्दी खत्म कर सकते हैं। हम लोगों ने टाइम ही दिया था 5:30 से हम 6:30 तक कथा करेंगे, लेकिन मैं जो आया एक मैदान पूरा फील्ड खाली कोई यहाँ पर, इसलिए हम देखा हम ये चाह रहे थे अगर जल्दी से कथा हो जाएगी ना, जल्दी जल्दी आरती कर लेंगे, जल्दी से घर में वापस जा सकते हैं। अभी ठंडा के मौसम में आ रहे हैं आप, तो ऐसे नहीं घर बार छोड़कर हम किसी बाबा तो है नहीं, घर में आपका पति है, बच्चे है, अपना ससुर है, देवर है, घर में रोसी बनाना है, भूखे ना बढ़े, सबको खिलाना पिलाना हम चाहते हैं। जैसे हम लोग टाइम पे चले जाओ, अपना घर गृहस्थी में हो जाए, तो भगवान की भक्ति में हो जाए। इसलिए कल सत्संग भी है धर्मशाला में ना, तो थोड़ा टाइम आप पहले कर दीजिए, थोड़ा टाइम से कर ले, और हरे कृष्णा करना पड़ेगा कल सत्संग करने, यहाँ पर एक एक प्रोग्राम है दोपहर में, तो कहेंगे ना तो दोपहर में कहीं प्रोग्राम में जाएंगे, शाम को यहाँ धर्मशाला में एक सत्संग है, हम लोग कथा को जल्दी विश्राम दे देंगे। अगर आप ठीक 5:30 बजे आओगे ना, हम ठीक 6:30 बजे कथा को विश्राम कर लेंगे। आओ देखे कौन आए, कल कुछ लगा पता 5:30 बजे आ जाना, फिर आप 6:30 बजे